उसका नाम आना पहला वो लोग आए उठाते साफ करते बोले कोई भी खाली कल आए पांच औरता आए ऐसे गाड़ियां ले जाकर उधर कोने में रख दी यहाँ तो आई चलेगा इधर आई ही नहीं अरे हमारे को कम से कम इजाजत दी है तो हम लोग तो भी करा लेते ना सा अच्छा फिर हम लोग आज जो है ना कुछ करेंगे बोले तो अगर हम लोग कुछ करेंगे बोले तो हमारे को इजाजत दी पुलिस में जाके यहाँ के लोग बोल दे रहे ये लोग जो है ना मैं इसके अंदर सफाई कर रहे कौन बोल रहे जाके ये सामने वाले वही क्या करा कब्रस्तान में अंदर आ रहे को डोला नहीं आ रहा है उधर जब ये लगा दिया छोटी गेट वहाँ से इधर आना साहब अंदर रास्ता ही नहीं है अंदर आने को तो हर जो है ना महीना 15 दिन को नहीं दो आदमियों को लेके आके रास्ता बना ले नहीं तो जो है फूला चढ़ाने को नहीं हो रहा तो क्या कर रहे मालूम है बच्चे दीवारों पर से कूद के आके खबरों पर ऐसा डाल रहे फेंक रहे तो अब उसके बाद जो है ना अब आता हूँ भाई 8 दिन 15-20 दिन को आते रहते साहब भाई अब क्या है मालूम है आने को रास्ते नहीं है अब देखो आप कितना यहाँ से ये तमाम खबरें भर गए कितना कचरा रह आऊँगा 40 तो भिजा दिया था वो गाड़ी में डला के भिजा रहा वो लगा बोले हम नहीं उठाते ऐसा आप भर के रखो हम लगा लेके जाते फिर आज लेके आया 40 पहले ये आपकी जाती तौर पे कर ले रहे अभी कोई कोई मदद करने वाला अच्छा मैं क्या करा इधर से अभी ये हिस्से में एक रास्ता तो भी बना ले गया इधर आने को बहुत तकलीफ हो रही है बोल के क्या करा मालूम है चार थैले लेके आके गेट लेके आया लगा दोगा बोल के यहाँ के लोग क्या करे मालूम है जाके पुलिस में शिकायत कर दिए कौन से पुलिस में ये क्या बोले आप नहीं लगाना कौन बोल रहे छतरी जाके भी ये लोग जाके बोले इतराज कर रहे वो लगा आप लोग बात लगा मैं बोला भाई घर नहीं बना रहे हम शेड नहीं बना रहे मलगी नहीं बना रहे खाली रास्ता टोला जाने के वास्ते उधर से तो जाने को रास्ता नहीं है इस वास्ते कोई भी नहीं आ रहे तो अब छतरी ना का सी आई छतरी उनसे मुलाकात हुई कई वक्त बोले उन बोले गया अंदर जाने के बाद भी वो लोग बोले नहीं अभी तो जो है वो जुलूस निकलने वाला है 1-8 दिन के बाद उसके बाद हम इजाजत देते बोला इजाजत दिए नहीं कुछ जिलानी साहब से मुलाकात हुई आपकी नहीं हुई मेरी पहले के सरकार पहले सर्कल थे वो लोग तो मिलना था जाके जिलानी साहब से अभी तो काम नहीं करा क्या कचरे का है ये अभी ये भी कराए भी नहीं साफ वाफ भी कराए तो आप लोग साफ कराने से दूसरों को क्या तकलीफ है हाँ ये पूछते हैं हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे राजा आप कब्रिस्तान में साफ करा रहे ना बस वही फिर और कुछ छोड़ देना अब आप देख लिए ना साहब ये दीवार देख रहे हैं पूरा बीर शाह के शराब के बाटला तो क्या कर रहा है वो शराब के जो बाटला जो है हमारी बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी को इधर दफना दिया ये हमारा बेटा है साहब उसको भी परसों दफना दिया 1 साल हो गया अब यही है अब उसके बाद जितने भी रिश्तेदार आए ये सब नीचे है मगर खबरों से तो कर ही नहीं सकते देखो क्या हालत है इसकी बात यही है जरा रमज़ान आ रहा साहब तो ये अगर कुछ जो है जरा इस पर दिलचस्पी अगर लिए तो ठीक रहता ये दीवारों में से आके चढ़ने हैं बड़े मियाँ है मैं बोला कहाँ गिर के हड्डियाँ उड्डियाँ टूट जाएंगे आप क्या हो बोल के मैं इधर से पूरा रास्ता बना दिए साहब इधर बना के दिया कि ऐसा जगह आप बोल के ये खबरें हैं पुरानी ये भी पुराना खबर ये देखिए कदीम कब्रिस्तान अफसोस की बात है ये भी बड़ा कब्रिस्तान है पूरा खबर है अब हम जा रहे भी तो ये पूरे खबरें हैं इस पे पूरे खबरें क्या कराए वो तो अल्लाह हु अकबर उन्होंने बोला 60% काम हो गया ना कल बोले उन्होंने मैं बोला भाई 3 दिन से हो ना बाबा कहा है 60% ये पुरानी है जो कचरे में जो रह रहा खाली कल वो 5-6 और थे ये जड़ा थे जड़ा में पूरे कटा के जब वो ताने बहुत बुरी हालत है कब्रिस्तान की इतना बड़ा कब्रिस्तान है लेकिन अफसोस की बात
लोग भूल रहे हैं कि हमको मरने के बाद यही यहाँ आना है। आज ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ है लोग कि इधर तवज्जो नहीं दे रहे, बड़ी अफसोस की बात है। आप हालत देख सकते हैं, काफ़ी पुराना कदीम कब्रिस्तान है और काफ़ी बड़ा भी है। ये देखिए आप, ये झाड़ों के पीछे ये काफ़ी पुराने खबरें हैं, ये झाड़ों, और अंदर भी हम जा नहीं सक रहे क्योंकि झाड़ा बहुत है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर जाने की, लेकिन झाड़ा बहुत है। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी खबरें और अंदर बहुत काफ़ी अंदर है, और रास्ता तो आप देख सकते हैं नहीं के बराबर है। ये लाल दरवाजा रोड कंदीकल गेट के पास है, जो छतरी नाका पीएस लिमिट में आता, काफ़ी पुराना है और कई बुज़ुर्ग हस्ती इस कब्रिस्तान में हैं, लेकिन हमारे लोग इससे गाफिल है। बड़ी अब उसके बाद से क्या है मालूम है, अब ये कचरा क्या है साहब, ये ढेरों का कचरा है। 40 थैले गया, अब ये है देखो, अब ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है उधर। आप उधर नहीं देखे आप, पूरा वहाँ तक मस्जिद तक। तो अब असल यहाँ पर अब क्या काम कराना जरूरी है, और कुछ भी नहीं अगर वक्फ बोर्ड आपका साथ नहीं दे रही है, उस पर आपकी कार्रवाई नहीं सुन रही, तो आप लोग खुद इस पे पर्सनल करना चाह रहे हैं अपनी जाती तौर पे? आपको इजाजत परमिशन, आपको परमिशन भी नहीं दे रहे, आप खुद कर लेना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ अब ये डाले ना, मैं 8 से 15-20 दिन पहले आके साफ करा पूरा, आज यहाँ से साफ हो, ये पूरा साफ कराया, तो क्या हो गया मालूम, फिर जैसे का वैसा हो गया। तो भाई बोला फिर क्या करते, जाते जाते थैले ला के डाल दे रहे, जाते जाते गाड़ी से ऐसा फेंक देते, तो क्या है मालूम है, तो ऐसी कैफियत है। तो कम से कम हमारा क्या वाला यहाँ से या दीवार ऊँची करना, या नहीं तो हम यल टाइप जरा जाली जैसा मस्जिदों को जालियाँ भी लगाए तो बस साहब, हमारे क्या इधर कचरा नहीं फेंकते, साफ सफाई रहते। एक एक खबर वालों को मैं जाके बोल रहा हूँ आओ साफ करो, पूरे आ रहे हैं देख रहे हैं, मगर आप मदद नहीं है। ऐसा इन लोगों को मुसीबत रहे तो कहेंगे, भाग जाते देख के, और कौन आएंगे फिर सालों, क्या क़यामत तक ऐसी रहेगा? कोई ये नहीं सोच रहे हमारे को मरना है, ये घर हमारा क़यामत तक है, मगर इसके बारे में कोई नहीं है ना, पूरे पूरे घर हमारे थे साहब, मेरे चिच्चा ताया के साथ बिल्डिंग ना देवड़ियाँ हैं, बगदुमपुरा बोलते साहब ये भक्ति को सब, मगर क्या करेंगे बोलो, सब किसी को आने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो है कभी अजा हुई ना, अजा को भी देने नहीं देते, लाउड स्पीकर नहीं लगाना बोलते, वो हो गया। उसके बाद जो है वो छत डाली गया, बोले छत नहीं हुआ तो टेम्पररी छत, टीन का छत डाल मस्जिद, लोग हम खुद आते। तो ये सबकी शिकायत आप वकोट में करें, पूरा करें, सुनने वाला है, करें। 6-7 साल होगा, कोई भी नहीं, एक लेटर नहीं, आते हम लोग आते जाओ, आते भाग भाग जाते, कोई लेटर नहीं, इंस्पेक्टर बीमार है, वो है, ये खाली कहानियाँ सुने हम, उनको दिया नु आते ना जाते। परसों मैं पूरा 3 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, मगर अभी तक एक लेटर नहीं दिया, ना तो दिया कोई उसका लेटर दिए, ना कुछ बोल दे, यही बात है कि उन्होंने ये बीमार है, हम आते जाओ, क्या बात है कि क़यामत को क्या है। अब ऐसी मुसीबत रहे तो देख के भाग जाते लोग, तो कहाँ ऐसी रहने दो, वीरानी है पूरे। सुने आप आओ खबर, इतना बड़ा कब्रिस्तान है, कोई इस पे मदद करने वाले नहीं, मत बार बार बोलो। कितने साल पुरानी है? वही 400 साल पुराने मस्जिद है ये। हाँ मस्जिद है, कब्रिस्तानों में पहले बस्तियां थे पूरे अपने, इसमें आके देख बुरा मस्जिद का हाल है, और यहाँ पर गंदगी फेंकी गई है,
कुछ उतारे भी दिख रहे हैं, उतारे वगैरह फेंके हुए नारियल है। यहाँ देखिए उतारे हंडिया हैं, अफसोस की बात है बहुत। इतनी खूबसूरत मस्जिद है और इसका ये हाल है। इतनी बड़ी वक्फ बोर्ड की लापरवाही और हम मुसलमानों की लापरवाही है जो ये हाल हो गया मस्जिद का। आप देख सकते हैं इस वीडियो की तरह। भाई भी खाना होगा क्या? पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ पर कचरा फेंका गया, गंदगी। कचरा फेंका जा रहा है। पुराने पुराने कदीम खबर हैं। साल पुरानी मस्जिद है, पचास साल पचपन साल के हुए तो पहले से जो 400।